से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है, चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक। तो जी हाँ, आपको बिना टाइम गए बताते हैं, आज हम बात करने वाले हैं शिल्पा शेट्टी की हस्बैंड राज कुंद्रा से रिलेटेड। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड उनके पति राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो अडल्ट वीडियोग्राफी करते थे, अडल्ट मूवियाँ बनाते थे और नव युवतियों को, जो लड़कियां घर से भागकर मुंबई में फिल्म एक्ट्रेस बनने जाती थी, उनको इस गोरख धंधे में फंसाया जाता था। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये बोलती है। और दरअसल इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ लोगों का तथ्य है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो वसूली कांड करवाने के लिए, वसूली करवाने के लिए, फिल्म अभिनेताओं के अंदर डर भरने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। हालांकि बॉलीवुड के अंदर इस तरह के सीन्स जो हैं बहुत पहले से फिल्माए जा रहे हैं। तमाम ऐसी मूवीज हैं जिनके अंदर इस तरह के बोल्ड सीन किए जा चुके हैं और OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह के आए सीन जो हैं आए दिन देखने को मिल जाते हैं। तो कोई खास ऐसा वो नहीं है, जैसा कि बाहर की जो फिल्में होती हैं, अडल्ट वीडियो होती हैं, उस तरह का ऐसा कोई कंटेंट नहीं। सिंपल वीडियोज हैं, न्यूड वीडियो नहीं बोलूँगा उनको मैं, बट हाँ अनसेंसर्ड वीडियो बोल सकता हूँ, अनसेंसर्ड वीडियोज हैं जो वो लोग बनाते थे। और ऐसा भी नहीं था किसी को ज़बरदस्ती बनाते थे, उसको सामने से ऑफर, इस तरह की बी ग्रेड मूवियाँ बनाई जा रही, ये सब चीज़ें चलती थी। इन तमाम मुद्दों पर बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों ने अपने बयान दिए हैं। मीका सिंह का कहना है कि राज कुंद्रा पर जो आरोप लग रहा है, जो पब्लिक के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं वो गलत हैं। उस तरह के अडल्ट कंटेंट को नहीं बनाते थे वो, सिंपल वीडियोज होती थी जो वेब सीरीज या फिर बी ग्रेड मूवियों के अंदर होती है, अडल्ट कंटेंट था लेकिन उस लेवल का नहीं था। कंगना रनौत ने भी सपोर्ट किया है कि अडल्ट वीडियो, जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि पोर्न वीडियोग्राफी के नाम से जो खबरें चलाई जा रही, वो तमाम जो खबरें हैं सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए हैं, न्यूज़ चैनल जो यूज में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट नहीं है वो। शिल्पा शेट्टी का कहना भी है कि उनके जो हस्बैंड है इस तरह की वीडियो नहीं बनाते थे और ना इस तरह का कोई उनके पास कंटेंट है और ना इसका कोई प्रोडक्शन है, सिर्फ बतौर उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर कुछ राजनेताओं के भी कमेंट्स हैं। कुछ राजनेताओं का कहना है कि इस तरह के जो महाराष्ट्र के अंदर जो कांड चल रहे हैं, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूली के लिए किया जा रहा है। इससे पहले भी वसूली रैकेट को लेकर अंबानी के घर पर कुछ आतंकवादी साजिशें जैसी की गई थी, मुंबई पुलिस के द्वारा गठित थी, इसी तरह का मामला इसको बताया जा रहा है। मीका सिंह खुलकर सामने आए और उन्होंने राज कुंद्रा का सपोर्ट किया, राज कुंद्रा का समर्थन किया है कि वो इस तरह का कंटेंट नहीं बना सकते, ना ही बनाते हैं। जो खबरें चल रही हैं उनका उन्होंने खंडन करते हुए उनको सपोर्ट किया है और लोगों से अपील की इस तरह की खबरें ना फैलाएं। इसी के साथ में कंगना रनौत आए दिन अपने बयानों के चलते सोशल मीडिया में या मीडिया में बनी रहती हैं। इसी बीच उन्होंने भी राज कुंद्रा का सपोर्ट करते हुए कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो एक साजिश के तहत हैं, राज कुंद्रा इस तरह का काम नहीं करते। शिल्पा शेट्टी ने भी यही बयान दिया है कि राज कुंद्रा के ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सत्य नहीं है, उनसे वो खुद परेशान हैं और इस तरह के काम में वो लीन नहीं थे। राज कुंद्रा को सपोर्ट किया है, उन्होंने कहा इस तरह की वीडियोज वगैरह नहीं थे जिस तरह के आप लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं।